के हमारे टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेट मोनोड कंपाउंड्स और मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद है, ये बॉन्ड जो है आपने पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्म बाय द बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्ड एटम। तो चूंकि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो सिमिलर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होती है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती हैं, तकरीबन वही प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी होती हैं। और जिस तरह से जो है कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होते, इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड भी पानी के अंदर आइंस नहीं बनाते। और एक और प्रॉपर्टी जो आपको अगर याद रखनी है, चूंकि ये कोवेलेंट इन नेचर है, लिहाजा ये जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, बल्कि दे फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा। दूसरी बात कि ये जो है आमतौर से रिजिड कंपाउंड होते हैं जिनमें डाइपोल होता है, यानी कि चूंकि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इरिमिनेट किया जा रहा होता है, लिहाजा इनके अंदर थोड़ा सा जो है वो डाइपोल पाया जाता है, इन चार सेपरेशन पाए जाते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक मेटल से मुतलिक है। मेटल से मुतलिक आमतौर से जो बात मशहूर होती है वो ये कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है जनाब, और इनका प्राइम रोल है टेक्नोलॉजीज के अंदर। अगरचे आज के लेटेस्ट दौर के अंदर जो है वो पॉलीमर्स ने जो है जगह ले ली है, डिस्पोजेबल जो है चीज़ें आ गई हैं, फिर प्लास्टिक की बनी होती हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी इनको टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो है मेटल्स को अहम जो है इनका रोल मौजूद है। इनकी प्रॉपर्टीज हम याद करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है वो ये है कि शो मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, कि धातुओं के अंदर हमेशा चमक होती है, उनको रगड़ें तो उनकी सर्फिसेस मजीद चमक जाती हैं, तो वो शाइनिंग होते हैं। दूसरा पॉइंट इनके मतलब आपको याद रखना है कि दे आर मलेबल एंड डक्टाइल। मलेबल और डक्टाइल मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मलेबिलिटी इनकी ऐसी प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, कि ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को जो है वो प्रेस करके चादरों में, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइलिटी का मतलब यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्चू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि इनको तार जो है उनकी शक्ल दी जा सकती है, ये डक्टाइलिटी का लगभग है। तीसरा पॉइंट इनके मुतालिक तीसरी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, चूँकि ये जो है बड़े स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, लिहाजा दे हैं हाई बेंडिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बेंडिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये पिघलेंगे और उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जो है ये खोलते हैं, उबलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमें इनकी याद रखनी है कि चूँकि हमने इनिंग मेटेलिक बॉन्ड में भी पढ़ा है कि मेटल्स के साइज जो है वो बड़े होते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती है, तो इसलिए बड़ी आसानी से ये अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन धोकर जो है वो रेनफोर्सिंग यानी कि कैटाइन जो है वो फैलाने की सलाहियत रखती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड वेरी इजीली फॉर्म एम पॉजिटिव आर कैटाइन्स। पांचवी बात जो इनके मतलब आपको याद रखनी है वो ये कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से जो है वो गुजर जाती है, और इसीलिए जो हम देखते हैं कि हमारे बहुत से जो पकाने के कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, और तारे जितनी हैं वो सारी की सारी मेटल्स की बनी हुई होती हैं। और इसी तरह ये याद रखना है कि चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो चाहे ये मेल्ट हो चुके हो, हर हालत में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसकी वजह आपने याद रखनी है इसमें मौजूद मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बताएंगे
Yeah, they are good conductor of heat and electricity due to the presence of mobile electrons. इस तरह से बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया. इसके मुतालिक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं और अपनी मुश्किल जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.